अस्सलाम वालेकुम जी। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, बट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मौसम चेंज हुआ, पोल्यूशन है, हमारी स्किन डल, ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू नीड अ ज़बरदस्त सा फेशियल, और मेरे लिए वो ज़बरदस्त फेशियल है स्किनली की ये 5-स्टेप फेशियल किट। लाइट अप अ गुड सेंटेड कैंडल, पुट ऑन सम गुड म्यूजिक, और मंथ में एटलीस्ट 1 या 2 बार अपने लिए टाइम निकालें, अपनी स्किन के लिए टाइम निकालें। स्टार्टिंग ऑफ विद अ क्लेंजर, ये क्लेंजर आपकी स्किन पे बहुत ही माइल्ड और जेंटल है, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। ये आपकी स्किन से डर्ट को, इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा, पोर्स को क्लॉग होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनका स्क्रब यूज कर रही हूँ। विद टाइम आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन की एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल दिखती है। तो ये सारी डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, स्किन टैनिंग को खत्म करेगा और आपके टेक्सचर को इवन आउट करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज माई पर्सनल फेवरेट मसाज क्रीम। इसको लगा के फेस पे मसाज करें, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगी, और अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है ये उसको भी रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट स्टेप है जी पॉलिश क्रीम और पॉलिशर। अगर आपकी स्किन पे बम्प्स हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टेक्सचर प्रोमिनेंट है, तो ये आपके पोर्स को रिफाइन करके टेक्सचर को भी कम करेगा, बम्प्स को भी कम करेगा, और ओवरऑल आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो और यूथफुल सी लुक देगा। एंड द लास्ट स्टेप इज मास्किंग। ये मास्क आपको स्पा और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन पे जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको कम करेगा, और आपके पोर्स की अपीयरेंस को कम करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा। ये मास्क आपकी स्किन को बहुत ही मजे का कूलिंग इफेक्ट भी देता है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। माय स्किन इज ऑल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा सा ग्लो कर रही है। ऑल्सो ये फेशियल किट कंपैरेटिवली आपको सैलॉन फेशियल्स के बहुत सस्ती, बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है। 10/10 रेकमेंडेड।